हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो त्रुटि है, ठीक है, एरर। तो आज हम समझने वाले हैं एरर क्या होता है, और फिजिक्स में है ना, इस पर बहुत सारे है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप है ना नीट की या IIT की तैयारी करते हैं ना, तो वहाँ पर भी आते हैं। तो आपको है ना हमारे साथ मेहनत करना होगा, ठीक है, सारे हो जाएंगे अपने आप, ठीक है, सारे एक लाइन से धड़ाधड़ धड़ाधड़, ठीक है। और हम यहाँ पे कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी सीखेंगे, ठीक है। ट्रिक्स तब बनते हैं ना जब आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है, तभी उसका महत्व तो समझ में आता है, नहीं तो फिर नहीं समझ में आता कहाँ पर लगा सकते हैं कहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। और जो शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में रहते हैं ना, उनका लाइफ ही शॉर्ट ट्रिक हो जाता है, ठीक है। तो हमें है ना अच्छे से पहले पढ़ाई करना, समझना है त्रुटि क्या होती है। तो आप चलिए बताइए त्रुटि क्या होती है, ठीक है। त्रुटि त्रुटि के बारे में बताएंगे ना, त्रुटि क्या होती है, एरर, व्हाट इज एरर, ठीक है। त्रुटियां क्या होती हैं, आप कहेंगे सर कमियां होती हैं, कौन सी कमियां होती हैं, कैसे आती हैं वो कमियां, ठीक है। आप कहेंगे सर जब जब भी हम कोई है ना भौतिक राशि को मेजर करते हैं, भौतिक राशि का मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है ना, उसका जो शुद्ध मान यानी कि जो प्योर वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू होती है, ठीक है, उस ट्रू वैल्यू के हिसाब से हो सकता है जब हम मेजर कर रहे हों उससे ज़्यादा हो जाए, हो सकता है उससे कम हो जाए। तो उसके शुद्ध वैल्यू में जो आई, मतलब मापन के थ्रू जो आई हुई कमी है ना, आई हुई क्या है, जो कमी है शुद्ध मापन से या ज़्यादा या कम, वही आपकी क्या होती है, त्रुटि होती है। त्रुटि को हमेशा हम पॉजिटिव लेकर के चलते हैं, ठीक है। त्रुटि तो अपने आप में कमी है ना, इस वजह से इसको हम क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई, तो आप ये बताओ आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो त्रुटि का आप डेफिनेशन लिख ले जाओगे, किसी भी भौतिक राशि के मापन में, ठीक है, किसी भी भौतिक राशि के मापन में उसके शुद्धता में आई हुई कमी को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। ये बात आप लिख लेना, ठीक है। अब त्रुटियाँ जो होती है ना कई प्रकार की होती हैं, त्रुटियाँ क्या होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, लिख दूँ, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, आपको टाइम बर्बाद ना हो। ये देखो बच्चों, हमने क्या किया, त्रुटि के बारे में लिख दिया, ठीक है, ये आप लिख लेना किसी भी भौतिक राशि के है ना मापन में। अब भाई वो भौतिक राशि अलग अलग हो सकती है, तो उसके विभिन्न कारणों से क्या आ सकती है, उसकी मतलब विभिन्न कारणों से आई शुद्धता में जो कमी होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। त्रुटि के कुछ प्रकार होते हैं, निरंतर त्रुटि, निकाय त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि है ना, परम त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, परसेंटेज एरर या त्रुटि। तो देखिए ये आपका कांस्टेंट एरर होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है एक बार जो त्रुटि आ गई वो फिक्स है, ठीक है। आपका जैसे वेट वाला जो मशीन है, ठीक है, वेट वाला क्या है, मशीन जहां से आप खरीद के लाए हैं, ठीक है, वो हमेशा पहले से मतलब उसमें कुछ एरर है, इतना किलोग्राम मतलब जो भी किलोग्राम है 0.5 में हो, ठीक है, वो ज़्यादा या कम मेजर कर रहा है, तो ये आपको पता है, ठीक है, आप इसको दूर कर सकते हैं। ऐसे ही सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, जैसे आपका घड़ी है, ठीक है, तो सिस्टमेटिक ये सिस्टम की एरर होती है, ठीक है। घड़ी घड़ी ने बोल दिया कि अब हम सर हमेशा है ना 5 मिनट हम क्या करेंगे, लेट चलेंगे आगे चलेंगे, तो वो सिस्टमेटिक एरर हो गया, उसको भी हम दूर कर सकते हैं। इसमें एक हमने नहीं लिखा है, व्यक्तिगत त्रुटि या पर्सनल त्रुटि, ये हम अपने हिसाब से खुद बनाते हैं। मान लीजिए स्कूल जाना है 5 मिनट पहले, तो हम घड़ी को पहले से ही 5 मिनट बढ़ा के रखते हैं, तो ये हमने खुद से क्रिएट किया है ना, तो ये एक टाइप का देखा जाए तो त्रुटि है। क्या है, त्रुटि है, ठीक है, तो इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। आगे यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर, ठीक है, ये जो रैंडम एरर होता है ना, ये कहता है सर कभी भी कुछ भी हो जाए, कोई पता नहीं है, ठीक है, जैसे आपकी घड़ी है ना शाम के बज रहे हैं 5, ठीक है, 10 मिनट बाद देखा आपने वो सुबह के 10 बज रहे हैं, अब ये कौन सा एरर हुआ, जब आपने 10 बजे देखा सुबह में तो शाम के बज रहे हैं 8, ठीक है। तो मतलब ऐसा हो रहा है ना कि हम इस एरर को बिल्कुल दूर नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल होती है ना हैंग करने लगती है, ठीक है, तो क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो ये क्या होता है भाई, रेंडम होता है, ये बिना बताए आता है, ठीक है, और हम इसको सही नहीं कर सकते हैं, ये पूरी तरह से खराब ही हो जाए तभी ये क्या होती है, सही होती है, तो इस एरर को हम दूर नहीं कर सकते हैं। परम त्रुटि, एब्सोल्यूट त्रुटि, ठीक है, मान लीजिए आपने 1 किलो चीनी लिया, 1 किलो चीनी लेना, समझना बात को,
1 किलो क्या लेना है, चीनी। ठीक है, अब उसमें हमें क्या करना है भाई, 1 किलो मतलब 10 लोगों को अलग अलग चीनी लेना है, 10 लोगों को क्या लेना है, अलग अलग चीनी लेना, किसी 1 किलो लेना, किसी को 2 लेना, किसी को 3 लेना है। ठीक है, अब आप जानते हैं हर किलो के पीछे कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है, एक वाले में कुछ निकलेगा, दो वाले में कुछ निकलेगा। अब सभी से पूछा जाए, सर ये बताओ आप सबका टोटल मिला के कितना एरर होगा, फिर आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। कहेंगे नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम सबकी बात कर लेते हैं, वो भी एवरेज के थ्रू, औसत के थ्रू। तो जो औसत त्रुटि आएगी ना, हम वही बोल देंगे कौन सी त्रुटि है, परम त्रुटि है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। तो इनको हम ना एवरेज करके निकालते हैं। सापेक्ष त्रुटि यानी कि उसके रिस्पेक्ट में इसका मतलब एरर कितना है, डिवाइड, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, या फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमें जो कमियां दिखेंगे उसको ऊपर रख देंगे, और जो हमारा मेन वैल्यू होगा उसको नीचे रख के डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये चेक करना भाई कितना परसेंटेज है। ठीक है, कितना परसेंटेज भाई, देखो कोई एक्सपेरिमेंट है बहुत छोटे लेवल पर होती है, उनके रिजल्ट भी बहुत छोटे आते हैं, तो उनको समझने के लिए है ना हम इन सब चीज़ों की बात नहीं करते हैं। किसकी बात करेंगे, प्रतिशत त्रुटि की। ठीक है, तो अब हम जो आगे बात करेंगे ना, वो परम त्रुटि से बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको ऐसे लिखना है जैसे मैंने बताया, वीडियो को पीछे करके आप नोट कर लेना। ठीक है, अपने हिसाब से लिख लेना, जो भी आपको लिखना होगा। वैसे ऐसे ही पूछे जाते हैं त्रुटि क्या होती है, त्रुटि के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, अब जो पढ़ाऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो अब हम बात करते हैं किसकी, परम त्रुटि के। ठीक है, तो अब आपको इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ये हमारा जो परम त्रुटि होता है, कहता है कि सर देखो कोई भी त्रुटि करनी है ना, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट। अच्छा चलिए बताइए एक्सपेरिमेंट क्या होता है, क्या होता है एक्सपेरिमेंट बताना पड़ेगा, प्रयोग क्या होता है। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का तो नाम तो बहुत सुना होगा। तो देखो जो आपका एक्सपेरिमेंट होता है, मुझे पता है आपको नहीं पता है, ठीक है, मन में कुछ उल्टा सीधा मत सोचो। ठीक है, अभी बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो याद है, पता है, कमेंट बॉक्स में लिखो अभी तुरंत। ठीक है, आपका मैं वेट कर रहा हूँ, फिर मैं लिखता हूँ। ठीक है, थोड़ा यार मुंह धुल के आया करो, ऐसे आ जाते हो फालतू में। थोड़ा पेन वन होना चाहिए तुम्हारे पास, नोटबुक होनी चाहिए, है ना, स्क्रीन शॉट ले ले तो, लिखते तो हो नहीं। ठीक है, लिख भी लिया करो कभी कभी। ठीक है, मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर लो ना, मजे आ जाएंगे। अच्छा, तो अब आपको मैं बता रहा हूँ ना एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए जो कमियाँ होती है ना, कमियों को दूर करने की प्रोसेस को, ठीक है, कमियों को दूर करने की प्रोसेस को, टू रिमूव द एरर, दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। कमियों को अगर हम दूर कर सकते हैं ना, वही आपका क्या होता है, एक्सपेरिमेंट। सोचो जो एडिशन था, ठीक है, 1000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक बल्ब बना था। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था भाई, सीख रहा था हर एक्सपेरिमेंट से। जो कमियां रहती थी अगले वाले एक्सपेरिमेंट में, वो इम्प्लीमेंट करता था। ठीक है, फिर उसे समझ में आया, अच्छा ये बात ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, फिर वो जा करके एक बल्ब को बना पाया। तो ऐसे कोई भी काम है ना, पहले हम कमियां मिलते हैं, फिर कमियों को दूर करते हैं, फिर और दूर करते हैं, फिर और दूर करते हैं, फिर आ जाती है। जैसे आप हो, ठीक है, अभी आप 11th में आए हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी कमी है कि आप नोट्स नहीं बना रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो। अरे करो ना, यही तो कमियां हैं। ठीक है, जब आप अपने ऊपर काम करोगे, है ना, तो थोड़ा थोड़ा जो सुधार होगा ना, उसी को एक्सपेरिमेंट कहेंगे यार। ठीक है, तो आपको मैंने बताया ना प्रयोग का मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट। तो देखिए हमारे पास कुछ प्रयोग, हम कुछ प्रयोग करते हैं। ठीक है, A1 प्रयोग किया, A2 किया, A3 किया, A4 किया, A5 किया, ऐसे कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, 5 करोगे तो 5 ले लेंगे, और N बार करोगे तो N ले लेंगे। अब आप कहेंगे सर कौन सा प्रयोग कर रहे थे, आप बता दो मुझे, मुझे नहीं पता। ठीक है, अरे यार मैं गया था बेट वाले दुकान पे, ठीक है, 2 किलो चीनी मेजर कर रहा था, तो इतने सारे कर डाले, लेकिन सब में कुछ ना कुछ कमियां दिखी, कोई सही रीडिंग देता था, कोई कम, कोई ज्यादा देता था। अब बताओ किसको सही माने, है ना, अब कमियां तो सब में है। ठीक है, अब किसको सही माने, अब आप कहोगे सर देखो अब आपको कमियां ही नहीं पता चल रही हैं, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई, सही
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, इनका एक निश्चित मान निकाल लेते हैं, इनका क्या निकालते हैं, निश्चित मान निकाल लेते हैं, ठीक है। और वो जो कमियां होंगी, ठीक है, ये प्रयोग किया गया है, प्रायोगिक मान है, ठीक है, प्रायोगिक लिख देता हूं, प्रायोगिक मान है, ठीक है। अब A1, A2, A3, A4, A5 चलते चलते कहां तक, N तक, ठीक है। अब हम इसे कहेंगे, देखो यार ये तो A1, A2 प्रायोगिक मान है, लेकिन इसमें ये नहीं पता है कौन सा वाला सही वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे ना, इसका औसत मान निकालेंगे, औसत मान, ठीक है। अच्छा, जो आप 2 किलो चीनी लेने गए थे ना, वो उसका वास्तविक मान था, ठीक है। इसका जो औसत मान होगा ए बराबर क्या बोलो ना, क्या क्या ए, या इसी को कहेंगे वास्तविक मान, ठीक है। तो निकाल लेंगे, सबका औसत ले लो, A1 प्लस A2 निश्चित करना है ना, A3 चलते चलते कहां तक, N तक, अपान कितने लोग थे उतने से डिवाइड कर दो, ये औसत मान आ गया। अगर आपको परम त्रुटि निकालनी है, परम त्रुटि निकालनी है, तो ध्यान से सुनो, हम क्या करेंगे, वास्तविक मान या औसत मान, औसत मान तथा प्रायोगिक मान, प्रायोगिक प्रायोगिक मान के अंतर को, औसत मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को हम क्या कहते हैं, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। औसत मान कितना था, ए था, ठीक है, क्या था भाई, ए था, ठीक है। और परम त्रुटि आपकी कितनी थी, डेल्टा ए, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डेल्टा ए बराबर, मतलब ए वन अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले ए लिखोगे, माइनस ए वन करोगे, अच्छा घटा वटा करके आपको जो भी आंसर आए, माइनस का नहीं लेना है, प्लस का लेना है, ठीक है। मान लीजिए डेल्टा ए वन आया, ऐसे आपने और भी माइनस किया, ठीक है, चलो डेल्टा ए टू निकालो, ए माइनस ए टू, ऐसे डेल्टा ए थ्री बराबर ए माइनस ए थ्री, चलते 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 कहाँ तक, डेल्टा ए एन बराबर कितना, ए माइनस ए एन। अब बताओ, इतनी बहुत सारी कमियां आ गई हैं, परम त्रुटि, अब किसको सही माने। आप कहेंगे सर वही काम करो जैसे क्लास में पूछा जाता है, इसमें 50 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 50, बताओ सबके नंबर बताओ कितने आए, कितने परसेंटेज से पास हैं। तो जो टीचर होगा ना, वो सबका नंबर नहीं बताएगा या सबका परसेंटेज नहीं बताएगा, अगर एक लाइन में आंसर देना हो तो कहेगा क्लास में सभी बच्चे लगभग 75% से पास हैं। अब किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, तो उसका दिमाग जो था ना, वो औसत निकाल लिया उन सबका, ठीक है। जब भी कन्फ्यूजन हो तो क्या निकालेंगे, औसत। तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है, कौन सी त्रुटि सही माने, तो इसका भी क्या निकालेंगे, औसत। तो इसको कहते हैं औसत परम त्रुटि, ठीक है। अच्छा, तो डेल्टा ए बराबर क्या होगा भाई, डेल्टा ए कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री चलते 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 डेल्टा ए एन तक अपान, ठीक है, और अपान जितने भी सबसे डिवाइड कर देंगे, वो आपके पास डेल्टा आ जाएगा। यहां तक कहानी समझ में आया कि नहीं आया। तो अब आपका जो प्रायोगिक मान होगा, प्रायोगिक मान, ठीक है, वो ऐसे लिखेंगे ए बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इसका मतलब ये हुआ, जिस चीज को मेजर करने आए थे उसकी वैल्यू कितनी मापा हमने, ए, और उसमें जो कमियां हो सकती है ना, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा का मतलब प्लस, कम से कम का मतलब माइनस, ठीक है, वो डेल्टा ए हो सकती है। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अभी हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद आपका आता है एक सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, ठीक है। तो देखो, सापेक्ष त्रुटि कुछ नहीं है, ये कहता है सर सापेक्ष त्रुटि अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो आप है ना, जो आपके आपके पास डेल्टा ए आया था उसमें ए से डिवाइड कर दो, ये सापेक्ष त्रुटि हो गया। बस समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको परसेंटेज या प्रतिशत, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, क्या निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, तो आप कहेंगे सर यही जो वैल्यू है ना डेल्टा ए पानी, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, तो ये किसमें बन जाएगा, परसेंटेज में बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे ना, जब भी आपको ये सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे दिए जाएंगे, तो ये निकालना होगा, हो सकता है परम त्रुटि निकालनी हो सकता है, औसत मान निकालना हो सकता है, प्रायोगिक मान निकालना हो सकता है, सापेक्ष त्रुटि निकालना हो सकता है, प्रतिशत त्रुटि निकालना हो, ठीक है। तो अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं और आपको समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। हाँ चलिए,
देखो अब हम बात करने वाले एक बहुत बढ़िया प्यारे से न्यूमेरिकल पर, ठीक है? तैयार हो आप? अरे पेन तो उठा लो यार। नहीं उठाना है सर, आप दे दो उठा के, मैं क्यों दे दूं? देखो एक छड़ के लंबाई के विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त क्रमशः 1 2 3 4 5, 5 बार ये प्रेक्षण करता है। प्रेक्षण का मतलब प्रयोग करता है। तो फिर ये कुछ बात कहना चाहता है मुझसे, कहता है कि लंबाई का माध्यमान ज्ञात कीजिए। अच्छा तो लंबाई का माध्यमान निकालना है, तो ऐसे लिखो, ये तो बहुत आसान है, लंबाई का माध्य मान, क्या यही औसत मान होता था? ठीक है, जिसको हम जैसे ये लंबाई है, मतलब L1 आपको दे रखा है कितना, 1.29, ठीक है, और L2 कितना दे रखा है, 1.33 और 1.34, इसका कितना है, 1.35 और इसका कितना, 1.32। अरे ये L3 है, ये आपको क्या है, L4 है, और ये कितना है, L5 J है। तो आप कहेंगे सर सभी लंबाई को जोड़ लेते हैं, L1 L2 L3 प्लस L4 प्लस L5 अपान कितना, किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। ठीक है, मानाओ रखो, रखना आता है ना, रख दो उठा के यार, चलो पटको पटको, नहीं पटकोगे, अरे रखना पड़ेगा, ए रखो, 1.33 प्लस 1.34, ए कहाँ जाना है, 1.35 प्लस 1.32, ओ सर 5 से डिवाइड करना, और जोड़ो कटाकट, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 3 11, 3 बोलो कितना, ओ 14 14, और 9 5 19 हो गया, एक हासिल है आपका, यानी कि कैरी, 3 3 6 6 3 9 12 12, यहाँ पे कितना था, 2 था, ठीक है, तो 12 तो ये हो गया, 2 आपका ये कितना हो गया, 14 14 और 1 15, ठीक है, 5 बार ये जुड़ेंगे, 5 से 6 हो जाएगा, 5 कितना, 5, चलो इसको काटो, ये इससे कटा कितनी बार बोलो, 1 बार, तो 15 हो जाएगा, 3 बार कटा, अब ये कितनी बार कटेगा बताओ, 1 बार कट जाएगा, ठीक है, इतना हम ले लेते हैं, ये आपका आ गया मीटर, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या करना है, ये तो हो गया प्रेक्षणों द्वारा, प्रेक्षणों में परम त्रुटि, परम त्रुटि आप जानते हैं ना, प्रेक्षणों का परम त्रुटि और माध्य त्रुटि, परम त्रुटि पहले निकालते हैं, प्रेक्षणों में परम त्रुटि, परम त्रुटि, आप डेल्टा L1 की बात कर रहे हो, डेल्टा L2 की बात कर रहे हो, डेल्टा L3 की बात कर रहे हो, डेल्टा L4 की बात कर रहे हो, डेल्टा L5 की बात कर रहे हो, तो L में से माइनस कर देंगे 1.31, ठीक है, मॉड ले लेंगे, ठीक है, मॉड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई पॉजिटिव रखना है नंबर को, 1.29, ठीक है, कितना आएगा, अरे भाई 31 है ये, 29 है, बचा कितना, 0.02 मीटर, ठीक है, ये बचा। आगे नेक्स्ट 1.31 माइनस, और इसके बाद कितना आया, 1.33, अब ये मॉड लग रखा है, तो 33 में से 31 गया, माइनस के 2 बजे मॉड प्लस बना देगा, ठीक है, मॉड क्या बनाएगा इसे बोलो, प्लस बनाएगा, ठीक है, माइनस का है बट ये 0.002 आपका मीटर होगा, मॉड लगा है डायरेक्ट हटा दिया करो, ठीक है, हमें कुल मिला के निगेटिव चिन्ह लेना ही नहीं है, बस 1.31 माइनस वो रखेंगे 1.35, यहाँ पे कितना आएगा, 4, भाई माइनस का आएगा पता है, लेकिन कह लेंगे प्लस। आगे नेक्स्ट वन, अरे यार यहाँ पे 3 4 लिखना था, कितना बचेगा, 3, ठीक है, 1.31 माइनस माइनस 3 4, ठीक है, 1.3 ये रखना है, ठीक है, ये वाली लंबाई, 3 5 बराबर में कितना आएगा, 4, और 5 आपका कितना आ जाएगा, 1.31 माइनस 1.35, ये हो गया, अब ये बचा है 1.32, घटाने के बाद कितना बचेगा, अरे ये जो घटाया हो ना गलत है, 0.03, और ये 0.04, और ये 0.01, 32 और
31 का रेशियो अनुपात है। ये आ गया आपका ये वाला आंसर माध्य परम त्रुटि। ठीक है, अब आप ये कर ले जाओगे ना, माध्य परम त्रुटि कैसे निकालोगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ बोर्ड में नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ, है अभी जगह दिखने के लिए। तो माध्य ये लिखो ना, माध्य परम त्रुटि। ठीक है, अब ये आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर देखो डेल्टा एल निकालना है मुझे, क्या निकालना है डेल्टा एल। तो आओ सबको ऐड कर लेते हैं, ये जितने भी आए हैं 0.02 प्लस 0.0 बोलो बोलो, 0 कितना 2, और उसके बाद ये 0.03 प्लस 0.04 प्लस 0.01, ये है सीन पूरा मामला। और कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से, चलो 1 और 4, 1 और 4 कितना हो गया बोलो, 6, 6, 4, 10, 10 और 3, 13, 0.13 अपन कितना 5। अब इसका इसमें डिवाइड करना है, चलो करो डिवाइड, 0. कितनी बार जाएगा बोलो ना, बोल दो तुम। ठीक है, पॉइंट लग गया, 1 से छोटा है, 0 बढ़ा लिया, अब 2 बार जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। तो ये तो डेल्टा एल की वैल्यू आ गई, चलो ये भी हो गया। भिन्नात्मक त्रुटि निकालनी है, कौन सी त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, ये भिन्नात्मक त्रुटि कहता है सर देखिए हम डेल्टा एल अपान क्या कर देंगे एल, डेल्टा एल की वैल्यू ये है 0.02 अपान एल की वैल्यू कितनी आई थी एल, अरे ये देखो ना ये है 1.31। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेना। अब अगर हमें किस में निकालना, प्रतिशत त्रुटि की, ठीक है इसी में किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 1.31 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये भी आप निकाल लेना। ठीक है, और छड़ की लंबाई में प्रतिशत पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब याद इसका गुणा करना डिवाइड करना, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब ये कह रहा है एल बराबर ये जो आप मतलब ये वाला 6 नंबर प्रतिशत त्रुटि के पदों में लिखना है, तो एल बराबर प्लस माइनस डेल्टा एल होता है, तो एल की वैल्यू कितनी आई थी 1.31, अरे सॉल्व करके कितना आया था यार, ये आया था प्लस माइनस, और ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देनी है। ठीक है, जो ये डेल्टा एल है, यही तो है डेल्टा एल, प्रतिशत त्रुटि वाला बोला है और कुछ नहीं। ठीक है, नहीं तो वैसे हम डेल्टा एल ये वाला उठा के रख देते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्व करना, जो भी आए वो आप यहीं पर उठा के रख देना, बस बात खत्म। ठीक है, हाँ ये आपको रखना है, तो ये कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ तब तक आप ये डिवाइड करो। देखो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ये आपको करना, मैं नहीं करूंगा, अभी सेम जैसा किया था ना वैसे ही करना है। एक हमारे पास सरल लोलक है, वो क्या करता है आवर्त काल ज्ञात करता है किसी परीक्षण में, किसी प्रयोग में, तो उससे कुछ मान प्राप्त होते हैं, ये मतलब 0.32 सेकेंड, 0.31 सेकेंड, फिर 0.29 सेकेंड, फिर 0.30 सेकेंड है। तो आपको वही सब निकालना है, मतलब जो जितने भी यहाँ पे अभी निकाले थे, ठीक है वो सब निकालना है आपको, तो आप ये लिख लेना नीचे। अब आपसे मिलेंगे अगले वाले हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम त्रुटियों को कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं उन पे न्यूमेरिकल, और उनके मतलब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पर हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसके लिए तैयार रहें, फिर उसके बाद हम सिग्निफिकेंट नंबर पढ़ेंगे यानी कि सार्थक अंक। ठीक है, हाँ तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलो आप मौज करो अब।